वेल, आपको पता है अगर डोरीमोन नोबिता की लाइफ में नहीं आता तो नोबिता की लाइफ कैसे होने वाली थी। तो यार नोबिता डोरीमोन के बिना बहुत ही मुश्किलों से अपने स्कूल से पास आउट होता है और फिर जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है तो वो एंट्री एग्जाम में ही फेल हो जाता है और उसको कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलता। नोबिता कई सालों तक बेरोजगार ही घूमता है और बहुत सालों बाद बहुत ही मुश्किलों को झेलने के बाद नोबिता फाइनली 28 की उम्र में लोन लेता है और उससे एक कंपनी खोलता है जो कि पटाखों की वजह से वहां पे आग लग जाती है और उसकी कंपनी भी जल के खाक हो जाती है। और तो नोबिता की शादी भी शिजुका से नहीं होती, उसकी शादी होती है जियान की बहन जैको से। 35 की उम्र तक उसके पास बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, उसके पास खाने तक के भी पैसे जो हैं वो नहीं बचते हैं। नोबिता के आगे की कई जनरेशन इस कर्जे की वजह से गरीबी में रहती हैं। इसके कारण ही शिवाशी फ्यूचर से डोरीमोन को लेकर नोबिता के पास आता है ताकि नोबिता का फ्यूचर अच्छा हो जाए। और इसी दिन नोबिता और डोरीमोन की पहली मुलाकात भी होती है। और यार डोरीमोन के आने के बाद आप सबको भी पता ही है कि कैसे नोबिता की पूरी लाइफ चेंज हो गई। और तो नोबिता की शादी भी एंड में जाके शिजुका से हो जाती है और वो फ्यूचर में जाके एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। जी हाँ, आपने ये स्टोरी तो सुनी ही होगी कि जैसे ही डोरीमोन खराब हो जाता है और उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो कैसे नोबिता बहुत ज़्यादा मेहनत करके फ्यूचर में जाके कैसे डोरीमोन को फिर से ज़िंदा करता है और दोनों फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो यार नोबिता की इस फेलियर टू सक्सेस वाली स्टोरी के लिए एक लाइक तो बनता है। आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।